डी ट्रिपल एस बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे शिक्षावृत्ति को लेकर, अगर अखबार में न्यूज़ आई है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पर वैकेंसी और आपके अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो उसमें शिक्षक भर्ती के लिए न्यूज़ आई है, तो शिक्षक भर्ती आने वाली है, ठीक है। इसमें न्यूज़ है कि जब कांग्रेस सरकार थी तब स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए हरियाणा राज्य शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया गया था। इसका काम सिर्फ शिक्षकों की भर्ती करना था, क्योंकि तब सरकार ने पाया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दूसरे पदों की भर्ती करने में इतना व्यस्त रहता है कि शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाता। मगर जैसे ही 2015 में सरकार बदली और भाजपा सरकार आई तो हरियाणा राज्य शिक्षक भर्ती बोर्ड समाप्त किया, इसी तरह पुलिस भर्ती बोर्ड भी समाप्त किया। शिक्षकों की भर्ती का जिम्मा वापस हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दे दिया। इस समय स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 4000 पद रिक्त पड़े हैं। आयोग इन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है। अब अफसरों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शिक्षकों की भर्ती न होने पर रिक्त संख्या की जानकारी दी, तो उन्होंने मेवात कैडर में सहायक शिक्षकों के नाम पर भर्ती करने को कहा। अब सरकार ने फैसला किया है कि 500 पीआरटी और 500 टीजीटी पदों पर शिक्षा सहायक भर्ती होंगे। तो दोस्तों, ये जो मेवात कैडर में एक तरीके से आपकी वैकेंसी आ रही है, 1000 पोस्ट आ रही है, जिसमें से 500 पोस्ट पीआरटी हैं और 500 टीजीटी। आपको पहले ही बताया था कि ये पोस्ट आने वाली है और अब न्यूज़पेपर में भी आ गया। इसका बजट भी लगभग 21 करोड़ रुपये मंजूर हो गया है। यह ट्रायल सफल रहा तो शेष हरियाणा में भी शिक्षा सहायक बतौर शिक्षक रखे जाएंगे। रिटायर्ड शिक्षकों को फिर से बुलाया जा रहा है। गलियारे में चर्चा है कि जैसे 2005 में शिक्षकों की कमी के चलते गेस्ट टीचर का आगाज हुआ था और बाद में गेस्ट टीचर्स की संख्या लगभग 16000 हो गई थी, इतना बड़ा उनका बड़ा संगठन बन गया था, मगर वे नियमित होने की मांग करने लगे। लंबा आंदोलन चला था, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में आंदोलन चलाया था। भाजपा ने तत्कालीन अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा था कि सरकार बनने पर पहली कलम से उन्हें रेगुलर किया जाएगा, मगर रेगुलर नहीं किया जा सका। आखिर में एक एक्ट बनाकर उनकी सर्विस 58 साल तक बनाए रखना सुनिश्चित किया। अब गलियारे में चर्चा है कि शिक्षा सहायक भी गेस्ट टीचर की तरह एक बड़ा संगठन बन जाएगा। जब गेस्ट टीचर की बात होती थी तो भाजपा नेता कहते थे कि यह समस्या कांग्रेस ने खड़ी की है, मगर अब शिक्षा सहायकों की तैनाती भविष्य में इसी तरह की समस्या बनेगी। इसका हल यह है कि या तो कर्मचारी चयन आयोग मुझ शिक्षकों की भर्ती करे, अन्यथा दोबारा शिक्षक भर्ती बोर्ड बहाल कर उन्हें सिर्फ शिक्षकों की भर्ती का जिम्मा सौंपा जाए। तो दोस्तों, ये जो एक तरीके से 1000 पोस्ट तो कन्फर्म है, बाकी जो दूसरी वैकेंसीज हैं वो अभी जैसे कोई अपडेट आएगी उस पर वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।